नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसे समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसे समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान मौखिक प्रार्थना के महत्व पर चिंतन किया। CAN द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के खतरे की चेतावनी। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर कारितास की पहल। नासिक में अस्पताल का ऑक्सीजन टैंक लीक, सप्लाई रुकने से 24 मरीजों ने दम तोड़ा। पॉजिटिव थिंकिंग से किसान परिवार ने कोरोना को हराया और 8 दिन में ठीक हुए। माउथ वॉश करने से कम होगा कोरोना के गंभीर संक्रमण का खतरा, रिसर्च में किया गया दावा। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान मौखिक प्रार्थना के महत्व पर चिंतन किया। पोप फ्रांसिस ने अपने बुधवार आम दर्शन समारोह के अवसर पर वाटिकन प्रेरितिक निवास की पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा, मौखिक प्रार्थना ईश्वर के साथ वार्ता करने का सटीक रास्ता है। प्रार्थना ईश्वर से वार्ता करना है और हर प्राणी किसी न किसी रूप में ईश्वर से वार्ता करता है। मानव में प्रार्थना शब्द पुकार, गीत और कविता के रूप में बनते हैं। दिव्य शब्द ने शरीर धारण किया और हर मानव शरीर में शब्द प्रार्थना के रूप में ईश्वर के पास लौटता है। CAN द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के खतरे की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक सहायता संगठन एड टू द चर्च इन नीड ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का हर 3 देशों में से एक में गंभीर रूप से उल्लंघन किया जाता है। रोम में बुधवार 21 अप्रैल को परम धर्मपीठीय संगठन एड टू द चर्च इन नीड ने विश्व में धार्मिक स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार के लिए दुनिया भर में गंभीर खतरों को ध्यान में रखते हुए अपनी 15वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया भर में प्रत्येक 3 देशों में से एक में 31.6% धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान नहीं किया गया है। उन स्थानों में 95% लोगों की स्थिति बदतर हो गई है और 26 देशों में लोग धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर कारितास की पहल। बांग्लादेश में कैथोलिक चर्च की सामाजिक कार्रवाई शाखा ने मानसून के मौसम के रूप में देश के रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। कारितास बांग्लादेश के इमानुएल च्यान विश्वास ने कहा, यह समय के खिलाफ एक दौड़ है जो लोगों को तेज हवाओं का सामना करने में मदद करती है। एक विशाल आग ने पिछले महीने दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर को तबाह कर दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और आश्रय और संपत्ति नष्ट हो गई, जिससे लगभग 92 से अधिक लोग प्रभावित हुए। नासिक में अस्पताल का ऑक्सीजन टैंक लीक, सप्लाई रुकने से 24 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के नासिक में बुधवार को सरकारी अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। नगर निगम के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। इसे रिपेयर करने में 30 मिनट का वक्त लगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई थी। इसके चलते 24 मरीजों की मौत हो गई और 33 की हालत अभी भी नाजुक है। नासिक के मेयर सतीश कुलकर्णी ने शाम को 2 और मौत की पुष्टि की। दोपहर 2 बजे के करीब हुई इस घटना में 22 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने मामले की जांच हाई पावर कमेटी से कराने की घोषणा की है। पॉजिटिव थिंकिंग से किसान परिवार ने कोरोना को हराया और 8 दिन में ठीक हुए। बैतूल के शाहपुर में किसान परिवार ने 8 दिन में ही कोरोना को मात दे दी और कोविड सेंटर से डिस्चार्ज हो गए। उन्होंने कोविड सेंटर को प्लानिंग सेंटर बना लिया और दिमाग में बुरे ख्याल लाने के बजाय यह सोचते रहे कि आगे खेती को कैसे प्लान करना है। पॉजिटिव थिंकिंग करते रहे, जबकि पति पत्नी दोनों ही शुगर के पेशेंट है। जब बेटा भी संक्रमित हो गया तो वह दोनों पहले घबरा गए, लेकिन तीनों ने बातचीत कर सबसे पहले यह बुला दिया कि वे तीनों संक्रमित हैं। महतो दंपति और बेटा कोरोना की जंग जीत कर घर लौट आए हैं और अब होम आइसोलेशन में हैं।
इस दौरान वे लगातार डॉक्टर की सलाह का ध्यान भी रखते हैं। माउथ वॉश करने से कम होगा कोरोना के गंभीर संक्रमण का खतरा, रिसर्च में किया गया दावा। मुंह की स्वच्छता के लिए अपनाए गए साधारण उपाय नए कोरोना वायरस के मुंह से फेफड़ों तक पहुंचने के जोखिम को कम करने में मददगार है और कोविड-19 के गंभीर मामलों को रोकने में इनसे मदद मिलती है। एक अध्ययन में यह बातें सामने आई है। जर्नल ऑफ ओरल मेडिसिन एंड डेंटल रिसर्च में प्रकाशित इस शोध में पाया गया कि मुंह साफ करने के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध कुछ सस्ते उत्पाद कोविड-19 के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने में काफी प्रभावी हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।